तो सो अगर आप गूगल पर जाके सर्च करते हैं किसी के नाम को, तो वहाँ पर आपको उस नाम से जितने भी फोटोज है वो आपको गूगल सर्च इंजन शो करके दिखा देता है। स्टेप नंबर वन, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आईडी बनाइए। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि कोई यूज़र आपके नाम को गूगल सर्च इंजन में सर्च करे और वहाँ पर आपके इमेजेस शो हो, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल प्लस इत्यादि और भी कई सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, तो उन सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आपको आईडी बनाना होगा। और आईडी बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सभी आईडी सेम नाम से होने चाहिए, तभी आपके इमेजेस गूगल सर्च इंजन में शो होंगे। तो ये सबसे पहला स्टेप है। स्टेप नंबर टू, ब्लॉग बनाओ और फोटोज शेयर करें। जी दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके इमेजेस गूगल सर्च इंजन में जल्द से जल्द शो हो, तो इसके लिए बेसिकली आप ब्लॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ब्लॉग बनाने के लिए बेसिकली आप blogger.com का यूज कर सकते हैं, जो कि गूगल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है और ये बिल्कुल फ्री है। तो जैसे ही आप ब्लॉग बना के अपने फोटोज को शेयर करते हैं, तो गूगल सर्च इंजन इसे जल्द से जल्द इंडेक्स कर देता है और आपके इमेजेस गूगल सर्च इंजन में शो होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको blogger.com वेबसाइट को ओपन करना है और वहां पर अपने जीमेल आईडी से साइन इन करना है। तो जैसे ही आप जीमेल आईडी से साइन करेंगे, तो यहाँ पर आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ब्लॉग क्रिएट करना बहुत ही आसान है। ब्लॉग क्रिएट करने के बाद आपको सिंपली न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अब आपको यहाँ पर टाइटल डालना है। तो टाइटल अपने नाम डालिए जो भी आप सर्च इंजन में शो करना चाहते हैं। टाइटल डालने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे की साइड कुछ भी अपना नाम लिख देना है या फिर थोड़े बहुत शब्द लिख देना है अपने नाम के बारे में। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इमेज अपलोड करना है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद अब आप जिस भी इमेज को गूगल सर्च इंजन में शो करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ओपन पे क्लिक करके इसे अपलोड कर ले। अपलोड करने के बाद इन दोनों इमेज को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सिंपली ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, तो ये इमेजेस ऐड हो जाएगा। उसके बाद अब आपको इस पर सिंपली सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको टाइटल टेक्स्ट पे अपना नाम लिखना है जो भी आप सर्च इंजन पे सर्च करने पे शो करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं मनोज सारू लिखता हूँ और उसके बाद सिंपली नीचे ऑल टेक्स्ट में मनोज सारू लिखता हूँ और ओके पे क्लिक करके इसे सेव कर देता हूँ। उसके बाद आपको दूसरे इमेजेस पे भी सेम वही करना है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको दोनों पे मनोज सारू नाम डालना है या फिर जो भी आप नाम डालना चाहते हैं और उसका सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये सब करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ शब्द लिखने हैं अपने बारे में, कुछ भी लिख सकते हैं आप, चाहे डेट ऑफ बर्थ, आपकी हॉबीज, और उसके बाद आपको सिंपली पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे, उसके बाद गूगल आपके इन सभी इमेजेस और आर्टिकल को सर्च इंजन में इंडेक्स करना शुरू कर देगा। तो जैसे ये पोस्ट इंडेक्स हो जाएगा, उसके बाद आपके इमेजेस गूगल सर्च इंजन में शो होने शुरू हो जाएंगे। स्टेप नंबर थ्री, flickr.com पे फोटोज को शेयर करें। जी दोस्तों अगर आप अपने इमेजेस को गूगल सर्च इंजन में शो करना चाहते हैं, तो इसके लिए बेसिकली आप flickr.com वेबसाइट पे अपने फोटोज को शेयर करके कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, फोटोज को जो भी आप शेयर कर रहे हैं flickr.com पे, वो फोटोज हमेशा पब्लिक हो और उस फोटोज का नाम सेम हो जो भी आपने अपने ब्लॉगर या फिर दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट पे डाला है। सबसे पहले आपको flickr.com वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप जिस भी इमेज को गूगल सर्च इंजन में शो कराना चाहते हैं उसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो सिंपली आपको चूज फोटोज पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सिंपली फोटोज को सिलेक्ट करना है, जिस भी फोटोज को आप गूगल सर्च इंजन में शो करना चाहते हैं। तो जैसे आप इस इमेज को अपलोड कर देते हैं, तो उसके बाद अब आपको इस इमेज के लिए डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो यहाँ पर आपको नाम लिखना है जो भी नाम से आप गूगल सर्च इंजन में अपने इमेज को शो करना चाहते हैं। तो इसके बाद अब आपको सिंपली ऐड टैग्स पे जाके यहाँ पर आपको वही नाम डालना है जो आपने ऊपर डाला। और उसके बाद ध्यान है, यहाँ पर ऑनर सेटिंग्स में ये हमेशा विजिबल टू एवरीवन सिलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, सिंपली अपलोड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये फोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद आपको सिंपली इस फोटो को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की साइड आना है। तो ध्यान है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हमेशा पब्लिक होना चाहिए, तभी आपका जो इमेज है वो गूगल सर्च इंजन में शो करेगा। इसी तरह अगर आप अपने इमेजेस को गूगल सर्च इंजन में शो करना चाहते हैं, तो जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स या फिर फोटो शेयरिंग वेबसाइट है, वहाँ पर अपने फोटोज को शेयर कर दीजिए। ध्यान है, वो फोटोज हमेशा पब्लिक होना चाहिए और सेम नाम से होना चाहिए। तो जैसे आप ये सारे स्टेप्स फॉलो कर देते हैं, उसके बाद कुछ समय बाद गूगल सर्च इंजन आपके सारे फोटोज को धीरे धीरे इंडेक्स करने लग जाएगा आपके नाम से। और उसके बाद जब आप अपने नाम को गूगल सर्च इंजन में सर्च करेंगे, तो आपका फोटोज धीरे धीरे दिखाई देने लगेगा। तो इसके लिए कुछ टाइम ले सकता है, अभी टाइम एक हफ्ता
सकता है, दो हफ्ता सकता है या फिर महीने तक भी हो सकता है। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि गूगल सर्च इंजन कब आपके इमेजेस को इंडेक्स करेगा। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप अपने इमेजेस को गूगल सर्च इंजन में शो करा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, मन में कुछ सवाल तो नीचे कमेंट। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन पर दबाकर लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।